दोस्तों, मैं अगर आपको कहूं कि दुनिया में पानी और चाय के बाद बियर ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा पीने के काम में इस्तेमाल की जाती है, तो क्या आप इस बात पर बिलीव करोगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर साल 43 खरब से भी ज्यादा बियर की केन गटक ली जाती है, पर पीने के बाद भी बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये नोटिस किया होगा कि बियर की बोतल्स हमेशा दो कलर की होती हैं, और वो है ब्राउन एंड ग्रीन। दुनिया भर में भी इन्हीं दो कलर्स की बोतल्स में ही बियर बिकती हैं। वेल, ये तो और भी स्ट्रेंज की बात है, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर क्यों बियर की बोतल्स हमेशा ग्रीन और ब्राउन कलर की होती हैं। दरअसल बताया जाता है कि इंसान प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के समय से ही बियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले बियर की पहली कंपनी प्राचीन मिस्र में खुली थी। तब बियर की पैकिंग ट्रांसपेरेंट बोतलों में होती थी। तो पाया गया कि सफेद बोतलों में पैक करने से बियर में मौजूद एसिड को सन की रेस से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस खराब कर रही है। इसकी वजह से बियर में बदबू आने लगती थी और लोग उसे नहीं पीते थे। कंपनी को कुछ न कुछ तो उपाय लगाना ही था ना। बियर बनाने वालों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बियर की बोतलों पर ब्राउन रंग की परत चढ़ानी शुरू कर दी, और इस रंग की बोतलों में बियर खराब नहीं हुई क्योंकि सूरज की किरणों का असर भूरे रंग की बोतलों पर नहीं हुई। और रही हरे रंग की बोतलों की बात, तो इस पर भी यूवी रेस का कोई असर नहीं होता और बियर खराब नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।